हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित तुमाच आपका ढेर सारा स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं वन प्लस की 8 सीरीज के बारे में, जो 14 अप्रैल को लॉन्च हो रही है। ऑनलाइन के थ्रू लॉन्च की जा रहा है वन प्लस 8 सीरीज, बिकॉज ऑफ आप सबको तो पता ही भैया माहौल कैसा है इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से। तो अब ये वन प्लस 8 ऑनलाइन लॉन्च किया जाएगा यूट्यूब पे वन प्लस के चैनल पर ही। तो मगर इससे मैं एक बात बता दूं कि अमेजोन पे वन प्लस 8 ऑलरेडी लिस्टेड कर दिया गया, उसके फीचर्स के बारे में बता दिया गया। और ट्विटर पे भी वन प्लस के सीईओ ने पहले कुछ चीजें फीचर्स के बारे में पहले ही बता दी जो हमें वन प्लस 8 और 8 प्रो में मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वन प्लस 8 और 8 प्रो में, तो इस बार हमें बहुत सारी नई चीजें मिलने देखने को मिलने वाली है। कलर भी हमें एक बार नया मिलने वाला है, कैमरे में भी कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट्स मिलने वाली है, एक तो नई टेक्नोलॉजी भी दिखने को वाली है। मतलब बोले तो इस बार हमें पूरे का पूरा एक गेम चेंजर के साथ मिलने वाला है, क्योंकि वन प्लस ने जो इस बार अपनी लाइन लिखी है, टैग लाइन, वो है लीड विद स्पीड। तो डेफिनेटली इस बार वन प्लस पूरा गेम चेंजर करने वाला है। जहां वन प्लस आईफोन का कॉम्पिटिटर तो रहा ही है प्राइस को लेकर, तो इस बार देखते हैं क्या हमें नया कुछ मिलने वाला है, क्या वो आईफोन को इस बार जो आने वाले आईफोन को बीट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो वो तो वक्त ही बताएगा। मगर इस बार हम बात करेंगे वन प्लस 8 और 8 के प्रो के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आईफोन 8 के डिस्प्ले साइज के बारे में, तो वहाँ हमें वन प्लस 8 में हमें 6.5 का डिस्प्ले साइज देखने में मिलता है विद फुल एचडी एमोलेड डिस्प्ले के साथ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेशियो। वहीं अगर हम बात करें वन प्लस 8 प्रो में, तो वहाँ हमें 6.7 की डिस्प्ले देखने को मिलती है विद फुल एचडी एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेशियो के साथ। और एक नई टेक्नोलॉजी भी हमें वन प्लस 8 प्रो में जो मिलती है वो डिस्प्ले में, वो है मिमिक टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा वीडियो के एंड में। और अगर हम बात करें प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर में हमें 865 का स्नैपड्रैगन स्नैपड्रैगन देखने को मिलने वाला है। दोनों फोन में आपको यही मिलने वाला है स्नैपड्रैगन। और अगर हम रैम के बारे में बात करते हैं, वन प्लस 8 और 8 प्रो में दो तरह के वर्जन लॉन्च किए जाएंगे रैम को लेकर, 8GB और 12GB दोनों में ही ये वर्जन आने वाले। और स्टोरेज को लेकर इनमें तीन वर्जन लॉन्च किए जाएंगे वन प्लस 8 और 8 प्रो में, 128GB, 256GB और 512GB। तो ये तीन वर्जन हमें मिलने देखने को मिलने वाले। और साथ ही इस बार अगर बात करें तो 5G के बारे में, तो वन प्लस में हमें 8 और 8 प्रो दोनों में ही 5G टेक्नोलॉजी मिलने वाली है, बहुत ही अच्छी बात है। और अगर साथ में बात करें कलर्स की, तो भैया कलर्स में भी हमें तीन वर्जन जो ऑलरेडी ब्लू एंड ब्लैक तो हमें मिलते थे, मगर इस बार हमें ग्रीन भी देखने को मिलने वाला है। इस बार तो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव कलर दिख रहा है, तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से काफी लोगों को पसंद भी आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कैमरे के बारे में, तो कैमरे में तो बहुत ज्यादा चेंजेस किए गए। जहां पर हमें वन प्लस 8 में पीछे ट्रिपल कैमरा देखने को सेटअप मिलता है, वही हमें वन प्लस 8 प्रो में पीछे क्वाड कैमरा देखने को सेटअप मिलता है। जहां अगर वन प्लस 8 के बारे में बात करें, तो वहां आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा और साथ में जो उसका सेकेंडरी कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल होगा। और इसी के साथ जो आपको मिलने वाला है एक 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस, जिसकी अपर्चर f2.4 होगी। अगर हम बात करें OnePlus 8 Pro में, तो वहां आपको क्वाड कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है और उसमें भी आपको 48 मेगापिक्सल का पहला प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। और वहीं अगर हम दूसरे कैमरे बात करें, तो 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और उसका थर्ड कैमरा जो होगा टेलीफोटो लेंस, वो है 8 मेगापिक्सल का विद अपर्चर f2.4। और वहीं चौथा कैमरा जो OnePlus Pro में जो है स्पेशल, उसकी एक खास बात है, वो है कलर फिल्टर कैमरा। तो ये आपको 5 मेगापिक्सल का मिलना है विद अपर्चर f2.4। तो ये कलर फिल्टर काफी ज्यादा आपको, जो आप फोटो खींचोगे तो कलर करेक्शन जो होती है, जब आप फोटो खींचते हो तो एक्यूरेट कलर के लिए कलर फिल्टर बहुत जरूरी है, कैमरा होता है जो कलर को बिल्कुल एग्जैक्ट पकड़ता है। तो ये चौथा कैमरा जो होगा बहुत ही अच्छा कैमरा है। और अगर हम फ्रंट कैमरे की बात करें, तो दोनों ही 16 मेगापिक्सल के कैमरे होंगे और दोनों के अपर्चर f2.0 मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बैटरी की बात करें, तो OnePlus 8 में हमें 43mAh की बैटरी दिखने वाली है 30 वाट रैप चार्ज के साथ। वहीं OnePlus 8 में हमें 4500 की बैटरी मिलने वाली है विद 30 वाट रैप चार्जर इंक्लूडेड वायरलेस चार्जिंग, जो OnePlus 8 में आपको नहीं मिलेगी, वो 8 प्रो में आपको वायरलेस चार्जिंग मिलने वाली है विद रिवर्स चार्जिंग भी मिलने वाली है 8 प्रो में आपको, और 5G टेक्नोलॉजी आपको दोनों मिलने वाली है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें मिमिक टेक्नोलॉजी के बारे में, तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपको OnePlus 8 प्रो में दिखने वाली है, वो इससे क्या होता है कि मैं आपको बताता हूं। मिमिक टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आपकी वीडियो या आप गेम खेलो या आपको अपने फोन को किसी भी चीज से कनेक्ट करते हो, तो आपकी वीडियो काफी ज्यादा स्मूथ नहीं हो। बिकॉज अब आप सोच रहे होंगे यार, ऐसा तो हर वीडियो अगर हम चलाते हैं तो सारे स्मूथ ही चलती है, मगर क्या है कि OnePlus 8 Pro का जो हर्ट्ज है वो काफी ज्यादा है, 128 हर्ट्ज रिफ्रेश रेशियो है, आपको तो पता है, जबकि OnePlus 8 में सिर्फ 90 है। तो इसलिए हमारा फोन इतना नहीं सह पाता और हमारा फोन काफी ज्यादा स्लो हो जाता है, जिस कारण OnePlus ने अपनी एक नई टेक्नोलॉजी मिमिक टेक्नोलॉजी लॉन्च करी है, जो आपको OnePlus 8 Pro में मिलेगी। अब आप चाहे इसको किसी से भी कनेक्ट करो या प्लेबैक आराम से वीडियो देखो या आप गेम खेलो, आपकी स्मूथनिंग वैसी ही रहेगी जैसे आपको मिलती है, मगर ये एक नई टेक्नोलॉजी जो OnePlus 8 लॉन्च करें। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।